नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अभी अभी कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के कोर्स में कंप्यूटर के एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा गया हो कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है और ये कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर आते हैं और कहां कहां उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिन्हें हम समान कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं जैसे कि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपने डेस्कटॉप में देखा होगा एक डीवीडी ड्राइव, मदरबोर्ड, एक सीपीयू होता है जहां पर हम उस माइक्रो कंप्यूटर से अपने पर्सनल काम, कुछ बेसिक काम करते हैं। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादातर आपने शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट के छोटे सेक्टर, बैंकिंग में देखने को मिले होंगे या आपने इसका यूज भी किया होगा। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर में एक समान स्तर का काम किया जाता है और यहाँ पर हम बता दें दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर एक सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात आती है तो वहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे स्तर का कंप्यूटर माना जाता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद सबसे छोटा कंप्यूटर आता है वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो फीचर उसकी स्टोरेज डिवाइस पाई जाती है वो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं होती। ये हम इसे अपने इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर को केवल व्यक्तिगत कार्य यानी कि छोटे स्तर का कार्य करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आपने अपने किसी के घर में या आपके घर पर खुद ही रखा हो या आप कहीं किसी साइबर कैफे में देखे हो तो वहाँ पर सिंपल से माइक्रो कंप्यूटर रखे थे जो समान कार्य करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जहाँ पर हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, MS Excel चला सकते हैं, MS Word चला सकते हैं, उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक नॉलेज माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रही। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।